हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और दोस्तों, कल मैंने आपको दिखाया था कि चैन में इसके रस्टिंग दिख रहा है, ये देखिए। ठीक है, मैंने एक वीडियो में दिखाया था कल बना के, और आज आपको बताने वाला हूँ कैसे आप इस रस्ट को क्लीन कर सकते हैं। अब मानसून चल रहा है सीजन, तो जल्दी जल्दी रस्ट भी होगा चैन्स में। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका है रस्ट से बचाने का कि आप इसे ज़्यादातर लुब्रिकेट करके रखें। कहीं से भी आए थोड़ा सा चैन कुछ दिन, मतलब एक दो दिन मानसून में चलाया, तो उसे लुब्रिकेट कर दें, तो उसमें रस्टिंग इतनी जल्दी नहीं होगा। वैसे यहाँ पे रस्टिंग बहुत जल्दी हो गया, मैंने भी दिखाया था कल, बताया है डिटेल में। आज इसे कैसे क्लीन करना है, तो इसके लिए आपको दो चीज़ चाहिए। कोई भी एक रस्ट रिमूवर चाहिए, मेरे पास ये मारुति सुजुकी का, मेरी कार का है, तो मैं यही यूज कर रहा हूँ। कोई भी आप ले लीजिए, और एक क्लॉथ चाहिए। अब आपको आपके लोकल मार्केट में कोई भी एक रस्ट रिमूवर मिल जाता है, नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन ले लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अच्छा पीडी लाइट का दे दूँगा। ठीक है, तो अब कैसे यूज करना है ये बताता हूँ। सबसे पहले अच्छे से सेक कर लो, ठीक, रुक जाओ, उससे पहले क्लॉथ से क्लीन कर लो एक बार, ठीक, ताकि ये जो डर्ट मिट्टी वगैरह हो वो हट जाए। ठीक है, साफ कर लिया अच्छे से। अब देख सकते हैं आप, रस्ट एक बार आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो कैसे रस्ट लग गया, और मैं लुब्रिकेट करके रखता हूँ तो भी लग गया। तो अच्छे से सेक कर लो, ठीक, और उसके बाद ठीक है ना, उसके बाद पूरे चैन पे इसे लगा दो, जहां जहां भी रस्ट हो। अब एक साइड लगा दिया से, अब उस साइड भी कर देता हूँ, क्योंकि दूसरे साइड भी रस्ट हुआ है। ठीक है, तो अब दोनों साइड लगा लिया मैंने, स्प्रे कर दिया। अब इसे कम से कम 10 मिनट के लिए आप छोड़ दो। ठीक है, 10 मिनट के बाद फिर आके देखते हैं, तब तक ये अपना काम कर देगा। ठीक है, तो 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं इसको। ओके, तो दोस्तों ऑलमोस्ट 20 मिनट के आसपास हो गए हैं, मैंने 10 मिनट्स बोला था लेकिन ऑलमोस्ट 20 मिनट मैंने छोड़ दिया था। तो आप देख सकते हो लुब्रिकेंट, अब जब भी आप कोई भी रस्ट रिमूवर यूज करो तो आप इतने देर के लिए इसे लगा के छोड़ दो, ताकि वो अच्छे से काम कर जाए। अब आप देख सकते हो बहुत सारा रस्ट तो अपने आप ही क्लीन हो गया, और कुछ जो यहाँ पे है वो लगा हुआ है। तो आप एक क्लॉथ का यूज करना है आपको, और जैसे ही आप रब करोगे थोड़ा सा, तो वो भी देखिए साफ हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्लॉथ का यूज करना है, और फिर पूरे चैन को अच्छे से एक बार साफ करना है। ठीक, अब यहाँ पे देखो कितना रस्ट था, हो सकता है एक बार में ना साफ हो, देखो कितना साफ हो रहा है। ठीक है, तो अगर एक बार में साफ नहीं हो रहा है तो आप इस चीज को 2 से 3 बार अप्लाई करो, और ये हो जाएगा। तो अच्छे से साफ कर लेता हूँ मैं, उसके बाद बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने साफ कर दिया, और आप देख सकते हो पहले से कंडीशन काफ़ी अच्छी हो गई है, और ये क्लॉथ जिससे मैंने साफ़ किया है। तो कुछ ऐसे ही आपको साफ़ करना है, उसके बाद आपको अपनी बाइक पे लुब्रिकेशन कर देना है। ठीक है, बारिश हो रहा है तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। तो कुछ इसी तरह से आप अपनी बाइक में लुब्रिकेशन करके रखोगे तो ये रस्ट नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।